आप YouTube से कितना अर्न करते हो? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टेक नेटिव्स में। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप तो भाई को जानते होंगे, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि हमारे चैनल पे आके इन्होंने वीडियो दी। और भाई तो कुछ क्वेश्चन पुट करेंगे और उनका जवाब जानेंगे। तो हितेश भाई, पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम भाई का, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनसे मुलाकात का, और थैंक यू। बस सभी अपना ध्यान रखें और भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और ध्यान रखें खुद का, अपनी फैमिली का और अपनी गर्लफ्रेंड का। हरिओम जी। आप अच्छा भाई, अच्छा भाई, पहले अपने गर्लफ्रेंड है नहीं? कोई बात नहीं है, फायदे में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फेवरेट सॉन्ग कौन सा आपका? मेरा फेवरेट सॉन्ग एक्चुअली, मुझे ना स्लो सॉन्ग पसंद है हरिओम, और स्लो सॉन्ग में पुराना सॉन्ग है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई पत हंसो गया नहीं 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 मेरे फेवरेट यूट्यूबर एक्चुअली हर वो यूट्यूबर मेरा फेवरेट है जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। वैसे मेहनत करके सभी आगे बढ़ते हैं, तो मेरे सभी फेवरेट हैं। इंडिविजुअल में किसी को फेवरेट नहीं कहता, लेकिन मेरी रुचि स्पेशली मैं बता भी चुका हूँ, कैरिना टी वी, बीके वाइन, सस बेनीवाल, एक्चुअली सभी कॉमेडी जो चैनल हैं, विशेषकर मेरी रुचि में। बाकी टेक्निकल में मैं कहूँ तो टेक्निकल रुचि के अलावा किसी और का नाम लेना शायद सभी उन्हें पसंद करते हैं, तो इसलिए उनके सामने हम फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन सभी यूट्यूबर्स बहुत बेस्ट हैं और सभी मुझे अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नितेश भाई से ये, क्या भैया आपकी कोई जीएफ है? बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है भैया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, ये जो स्माइल देख रहे हो ना हरिओम, ये जीएफ के होते हुए नहीं हो सकते। तो समझ जाओ कि भाई की जीएफ नहीं है। वैसे जीएफ भैया कभी ना कभी तो रही होगी। अरे यार, बचपन का प्यार के बारे में क्या, क्यों छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? ये था क्यों बताइए देश भाई, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? हरिओम जी जब खिलाओगे तब बता। अच्छा 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 अच्छा, चलिए अभी खिलाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है हितेश भाई से, आप यूट्यूब से कितना अर्न करते हो? अच्छा देखो, नॉर्मली कम्युनिटी गाइडलाइंस के कारण यूट्यूब पे ये नहीं बताया जा पाता है कि भाई कितने अर्न करते हैं हरिओम, तो प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यूट्यूब से अब आप ये समझ लो कि नो टेट जितना लिया है वो एक महीने की इनकम में इसमें से भी बच गया था। बस बस बस, समझ जाओ आप सभी लोग समझ गए क्या? ठीक है, और मोटिवेशन के लिए फिर भी बता देता हूँ हरिओम कि यदि, चलो इनकम एक डिफरेंट पार्ट है, फिर बोल रहा हूँ, यदि आप यूट्यूब पे आना चाहते हो और इनकम सुन के मोटिवेशन पाते हो, तो पैसे के लिए मत आना यूट्यूब, कर नहीं पाओगे। यदि आप अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को लोगों को दिखाने के लिए, या आप जो करते हो वो लोगों को दिखाना है मन से, बिना पैसे के जो काम कर सकते हो उसी को यूट्यूब पे करना है, अन्यथा मत आना। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, जितने भी हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, जो बिगिनर्स हैं अभी अभी, जो जिन्होंने स्टार्ट किया या फिर जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी हरिओम बढ़ते हुए यूट्यूबर्स हैं हमारे, क्योंकि छोटे तो हम कहते ही नहीं है, मेहनत सभी कर रहे हैं, सभी बराबर हैं, तो जो बढ़ते हुए यूट्यूबर्स हैं उनको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी को देखा देखी वही जो वो कर रहे हैं सेम टू सेम कॉपी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लगता है, जिस कार्य को करने में आपको लगता है कि भाई आप यूनिक हो, आप बेहतर कर सकते हो, उसको हर कॉपी कर लो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस कॉपी का मॉडिफाइड रूप यूनिक बन जाए। सही का, सही का। करें, जैसे मैंने टेक्निकल को कॉपी किया, मान लेते हैं मैंने टेक्निकल को कॉपी किया, लेकिन कॉमेडी पुट अप कॉमेडी है ना, और वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो वही आप करें। और सबसे बड़ी बात, सब कुछ भूल जाना, याद रखना, पैसे के लिए यूट्यूब पे मत आए।
समझ जाओ भाई, वो पैसे के लिए बहुत से लोग आते हैं कि आज चैनल खोला और कल हमें पैसा कमाना है, तो ऐसा नहीं है। जो आपका पैशन है, जो आप सोचते हो कि हर रियल में कर सकते हो, जो दिल से आपकी इच्छा है, सही का? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ, जो दिल से आपका है कि मन है कि हाँ ये चीज़ करनी है, देन चाहे फिर टेक्निकल फील्ड हो, चाहे फिर आपकी कॉमेडी हो, चाहे फिर आपको एजुकेशन से पर्पज़ हो, कोई भी चीज़ हो आपकी, बट हाँ जो भी यहाँ दिल से गए कि हाँ सोचना है आपने करना है, वो चीज़ करनी है। तो लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा आपको काटते हुए हरिओम कि एक्चुअली समय की थोड़ी कमी थी और मैं यहाँ सीपी आया हुआ, तो हरिओम से मुलाकात हो गई थी, एक रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, मैंने कहा रिक्वेस्ट मत करो बड़े भाई को, तो आदेश करो आप, पर समय की कमी के कारण वीडियो कम सवाल पूछे गए हैं और समय के साथ और सवालों के जवाब मैं दूंगा। और हरिओम जी आप बोलिए थे, तो भाई भाई के चैनल पर जाके सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाओ, वैसे तो आप सभी मुझे पक्का पता है, जानते हो, भाई को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वेडिंग है भाई के लिए बस। तो सभी से निवेदन है कि हरिओम भाई के चैनल टेक इंडिया टिप्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, गाली वाली बिल्कुल मत देना। और हरिओम जी बड़े होनहार स्टूडेंट है, करोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो गया, और करोड़ीमल कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छा उसमें नंबर आना के लिए अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो एक होनहार स्टूडेंट भी हैं, बहुत मेहनत से बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं, सपोर्ट करते रहें और प्यार करते रहें। और लास्ट में भाई का डायलॉग भाई, ओ कौन सा भाई? बस वही 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 वाला समझ जाओ, ध्यान रखें खुद का, अपनी फैमिली का और अपनी गर्लफ्रेंड का। सो दोस्तों थैंक यू सो मच देश भाई को, और मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, जय हिंद। मेरा जोक रहेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ भाई जोक जोक जी जी। अच्छा पता है मैं शादीशुदा लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि अपनी पत्नी को मनाना चाहते हैं तो आई लव यू कहने से बेहतर है कुछ जादुई शब्द हैं, आप ये कह सकते हो कि सुनो आज बर्तन मैं धोऊंगा। बहुत ही अच्छा जगह। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इतना ही, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।